फ्रांस में इस्लामिक टेरर पर एक्शन को लेकर भोपाल में आज भी माहौल गर्म है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों के खिलाफ भोपाल में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग मैक्रों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कल भी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हजारों लोगों को जमा करके रैली की थी। इस बीच भोपाल में प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। आपके सामने जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से लोग सड़क पर निकले हैं, नारेबाजी हो रही है और साथ ही कल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट हुआ और एक बार फिर से लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ ये गुस्सा है। इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थन में भाईजान सड़क पर तो आ गए हैं, लेकिन उनको ना फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पता है और ना ही मुद्दा। बस जुम्मे पर बुलाए गए और वो हिड़चाल में चले गए। राष्ट्रपति के इस्लाम के लिए दिए गए बयान के चलते पूरे देश में जो क्रोध का माहौल है और इस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, शुरुआत भोपाल से और तस्वीरों में ये देख सकते हैं इस तरीके से जुमे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो साफ तौर पर आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तस्वीरों को पैरों से कुचला जा रहा है और तमाम इस तरीके के जो दृश्य है वो सड़कों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इस तरीके का प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद सोचा भी जा रहा था कि तमाम मुस्लिम समाज भोपाल में निकल कर आएगा। क्या वजह है आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी हो, मुसलमान हो, हर मजहब का तबका जो नबी का चाहने वाला है वो किसी भी हाल में नबी की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई मुल्क करे या कोई इंसान करे। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से फ्रांस पर कार्रवाई की जाए और पाबंदी आयद की जाए। ये तो प्रदर्शन देख रहे हैं आप इस तरीके से और नारा तकबीर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स आपको मैं दिखाऊं तो साफ तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध के साथ साथ मेड इन जो बायकॉट, फ्रांस को बायकॉट करने की बात की जा रही है। आप क्यों आए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताख, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, अच्छा क्या बोला उन्होंने? जो बोला है उसकी जो बेहरमती की है उसको। नहीं, तो क्या बोला है कुछ मालूम है? उसका मुझे मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। हाँ, तो यहाँ कैसे आया? जो नमाज पढ़ने आए थे तो बुलाया सबने तो चले आए। अच्छा, बेहरमती की है उसको। ये किसकी फोटो ली? ये राष्ट्रपति की। कौन किस कौन से राष्ट्रपति की? कौन से? फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों कर रहे हो आप लोग? ये इन्होंने जो किया वो गलत किया। नहीं तो क्या किया उन लोगों ने? ये नबी की तस्वीर को लगाया है। जो कहाँ लगाया है? फ्रांस में। अच्छा जी, तो आपको कैसे आया, कैसे मालूम चला यहाँ आना? यहाँ पर मस्जिद में बयान हुआ था, उस जरिए से पता। अच्छा, उसके जरिए से पता लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कैसे आया आप यहाँ? जी यहाँ पे कैसे? जी बुलाया इसलिए। क्या क्या बुलाया? जी वो ये नहीं मालूम। आप प्रदर्शन में आए हो, नारे भी लगा रहे थे आप लोग भीड़ में? मैं तो खुद अभी आया हूँ सर यहाँ से। आप फिर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये आप कुचल भी रहे थे इन सबको? ये किसका पोस्टर कुचल रहे थे? अच्छा, नमाज पढ़ के आए, सीधे बुला लिया इसकी आ गए? हम तो नमाज पढ़ गए, सीधे दोस्तों के साथ आ गए यहाँ पर। अच्छा अच्छा, बेटा तुम लोग काहे को इकट्ठे हुए यहाँ पे? कौन है? ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अच्छा, लोग इकट्ठे हुए इसलिए हो गए आप लोग? लोग इकट्ठे हुए इसलिए इकट्ठे हुए साफ तौर पर समझा जा सकता है, जानकारी नहीं है लोगों को। और लोगों से भी बात करते हैं। सर कैसे आया? और किसी पता करते हैं? और किसी पता करते हैं? हमारे नबी की जान में गुस्ताखी की। किसने की है गुस्ताखी? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। क्या बोला है?
हमारे नबी का पुतला बना के बेगुरबती की जा रही। ये किसने कहा कि उनने पुतला बनाया फ्रांस के राष्ट्रपति ने? ये सब तो इसके लिए यहाँ पे मौजूद खड़े हुए। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम चला यहाँ आना है? यहाँ पे आए हुए इसीलिए हमको मालूम चला। अच्छा, मतलब सब आ गए इसलिए आप भी आ गए? किसने बताया आपको? हमारे उलमा इकराम ने जो मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, बयान हो मस्जिदों में बोल बताया जा रहा है जी, बताने के साथ हमारी नहीं तो मस्जिद में क्या बताया उलेमा ने? हमारी उलमा जो हमारे नबी हैं उनकी शान में गुस्तागी कर रहे हैं। अच्छा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, मस्जिद में ऐसी तकरीर हुई जिसके बाद आपको मालूम चला है? जी, उनने और पहले भी टीवी में उसमें भी देखा, बनने और भी न्यूजों में आया है। तो अभी आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं जी, तकरीर में बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है? पहले भी हमें मालूम था, भाई न्यूजों में भी बहुत सी जगह पता चल रहा है जी, और तकरीर में भी बताया। हाँ, उसने बताया कि भाई देखो ऐसी ऐसी गुस्ताखी कर रहे हमारे नबी की शान में। लेकिन क्या गुस्ताखी की कुछ मालूम? अब वो गुस्ताखी की होगी जब तो बता रहे हैं, कोई गलत तो बता नहीं रहे है ना। अब उसका जाहिर होगा ना, सब चीज पता चलेगी। और अब आपके सामने मैक्रो के खिलाफ हैदराबाद में जारी प्रदर्शन की तस्वीर है, जहां पर लोगों ने मैक्रो के पोस्टर को जमीन पर लगा दिया है और उसे रौंदते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर कल मुंबई से भी सामने आई थी, जहां मुंबई की सड़क पर भी ऐसे जमीन पर मैक्रो के पोस्टर्स लगा दिए गए थे, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। लेकिन ये तस्वीर जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, ये हैदराबाद की तस्वीरें आई हैं। भोपाल में एक तरफ जहां जुम्मे की नमाज के बाद आज एक बार फिर से सड़क पर लोग उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आपके सामने, वहीं इस वक्त आई हैं मैक्रो का विरोध करते हुए हैदराबाद से। और हैदराबाद में भी हम देख रहे हैं कैसे लोगों ने मैक्रो के पोस्टर्स को जमीन पर लगा दिया है और बॉयकॉट फ्रांस का लिखा गया है। इसके साथ ही जमीन पर लगाकर पोस्टर्स को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई की सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है, देश के कई शहरों में मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? आखिर क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरों को जूतों के तले रौंदा जा रहा है? कैसे फ्रांस से शुरू हुई मजहब की लड़ाई या पूरी दुनिया की शांति को भंग कर रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये मुंबई की तीन तस्वीरें, तीन कैमरों से ली गई तीन तस्वीर, जो ये बता रही हैं कि मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में इस वक्त माहौल क्या है। आखिर ये तस्वीर किसकी है जिसको इस तरह पैरों से कुचला जा रहा है? आखिर ये किसकी तौहीन की जा रही है? ये किसकी तस्वीरों को सड़कों पर लगाया गया है जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर रही है? देखिए भोपाल की तस्वीरें, आखिर ये हुजूम, ये भीड़ क्यों उमड़ी हुई? विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग कौन हैं और इनका गुस्सा आखिर किस पर फूट रहा है? आखिर पूरे देश के मुसलमान क्यों भड़के हुए हैं? क्या है ये पूरा मामला, आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि आखिर किसकी है ये तस्वीर जिसे जूतों के तले रौंदा जा रहा है। जरा गौर से देखिए, यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के निशाने पर है। ये तस्वीरें तो भारत की हैं, मुंबई का भिंडी बाजार जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीर को सड़क पर चिपका दिया गया है। आने वाली तमाम गाड़ियां इन तस्वीरों के ऊपर से गुजर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ न सिर्फ सड़कों पर बल्कि मुस्लिम बस्तियों की गलियों में भी इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीर को सड़क पर चिपका दिया गया है। मुंबई के मुस्लिम बहुल भिंडी बाजार इलाके में हम मौजूद हैं और भिंडी बाजार के सड़कों में जगह जगह पर इस तरह के फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैक्रोन, उनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है, फोटो चिपकाए गए हैं और लोग उस पर चल रहे हैं, गाड़ियां जो है उस पर से चलाई जा रही है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह से इस्लाम विरोधी आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो वो माफ़ी मांगे, और यही कारण है कि इन गलियों में नहीं बल्कि मुंबई के अलग अलग स्थानों पर भी इस तरह की तस्वीरें लगाई गई है। लोगों से हम पूछते हैं क्या उनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि बोलो, हाँ, ये तस्वीरें लगी है, किसने लगाई है, क्यों लगाई है? ये तस्वीरें किसने लगाई है मालूम तो नहीं है, बाकी ये हमारा दुश्मन है। हाँ। जो हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़े बड़े महाराजों की, यानी जिनको हम लोग हमारे नबी बोलते हैं, उनकी तौहीन करता है, इसलिए वो हमको पसंद नहीं है। क्यों, कोई भी मजहब किसी की तौहीन नहीं कर सकता है, ना हिंदुओं की, ना क्रिश्चियन की, ना मुसलमान की, ना यहूदी की। ये पूरी इजरायली पॉलिसी चल रहा है, इजरायली आदमी है, ये खतरनाक है, ये इस्लाम का और इंसानों का दुश्मन है। मार्केट के अंदर भी लोग यहाँ से चलकर आते हैं तो यहाँ पर भी ये लगाया गया है। लोग
इस तरह से अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट, वो उन्होंने बोले कि इस्लाम क्राइसिस में है, तो उसके प्रोटेस्ट में सब जगह लगाया हुआ है, कि इसकी जगह पाँव के नीचे है, समझे आप बात को बाबा, इसने गुस्ताखी किया। हमारे रिपोर्टर ने वहां मौजूद कई लोगों से जानने की कोशिश भी की कि आखिर ये तस्वीरें किसने लगाई हैं और इसकी नाराजगी की वजह क्या है। बड़े जहरीले इंसान है ये, इसको तो मतलब ऐसा है कि सरेआम कत्ल कर देना चाहिए। हमारे जो इस्लामी जो धर्म बोलता है कि ऐसे ऐसे ऐसा करने वालों को सरेआम कत्ल कर देना चाहिए, हमारा इस्लाम ये बोलता है। और इसने जो किया है इसकी बख्शीश इसको नहीं मिलने वाली है, तो वो छोटे छोटे अब तो बड़े बड़े भी लगेंगे और पब्लिक थूकेगी उसके ऊपर। मांगे क्या है आप लोग? हमारी मांगे ये है कि इसके पोस्टर पर थूको। किसी की भी धर्म को पूरा बोलने का किसी को भी इजाज़त नहीं है। इसने जो किया है वो गलत किया है। जितने मुसलमान हैं ना, इसके खिलाफ है, लोगों ने लगाया नहीं, आम जनता ने किसी के धर्म को किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। अब जरा दुनिया भर की तस्वीरों पर गौर कीजिए। भारत ही नहीं, रूस, पाकिस्तान, माली, जॉर्डन, इराक, दुनिया के तमाम शहरों में मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कहीं इमैनुअल मैक्रोन का पुतला फूंका जा रहा है, कहीं उनकी तस्वीरों को सड़कों पर रौंदा जा रहा है, कहीं उनकी तस्वीरों को आग लगाई जा रही है, तो कहीं प्लेकार्ड लेकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। भारत में मुंबई के तमाम इलाकों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जिम्मा एक मुस्लिम संगठन रजा अकादमी ने लिया है। रजा अकादमी की स्थापना 1978 में मुंबई में हुई थी। इसका मकसद बरेलवी मुस्लिम समुदाय की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। साल 1988 में रजा अकादमी ने लेखक सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस पर रोक की मांग को लेकर फतवा जारी किया था। साल 1992 में भारत और इसराइल के बीच हुए कूटनीतिक समझौते का भी रजा अकादमी ने विरोध किया था। रजा अकादमी ने लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन भी किए थे। अगस्त 2012 में रजा अकादमी ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था। तब मुंबई में भयंकर आगजनी हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तब दंगाइयों ने अमर जवान ज्योति स्मारक को भी क्षतिग्रस्त किया था और यह तस्वीर बेहद चर्चा में रही थी। रजा अकादमी का कहना है कि जब तक मैक्रोन माफी नहीं मांगेंगे, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने इस मुल्क में, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन हमने ख़ास तौर से मुंबई में, हिंदुस्तान में, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे मुसलमानों से, कि हमने जो तौहीन की है वो हम जो माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई है। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता है तो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, UNO में भी हम लोग लेटर लिखने वाले हैं। और आगे किस तरह से आपका आंदोलन जा रहा है? ये हमारा इसी तरह से हम जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं उनके खिलाफ, और एहतजाज के तरीके हमने कल भिंडी बाज़ार में हमने उनके खिलाफ जो एहतजाज किया, और आइंदा भी हम करेंगे, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम करने के लिए जो है रजा अकादमी के बैनर के तले करने की हम तैयारी करें, मुख्तलिफ मीटिंगें मुसलसल चालू है। भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आए। भोपाल शहर के काजी के अलावा भी कई मुस्लिम धर्मगुरु जलसे में मौजूद रहे। आरिफ मसूद को इस बात पर भी एतराज है कि भारत की सरकार फ्रांस का समर्थन क्यों कर रही है। आरिफ मसूद ने अपनी रैली में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है। भोपाल प्रशासन ने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। और सब नबी की शान में, मोहब्बत में आज वहाँ जमा हुए और 25,000 जमा हुए। प्रशासन चाहिए 25,000 में मुकदमा कायम कर दे। मैंने बहुत अच्छा करा, उन्होंने मेरे नाम से दर्ज करा, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उसको फेस करूंगा अदालत में। सारे मसूद क्या करने जा रहे हैं अब? अदालत में फेस करूंगा इस मुकदमे को। और ये विरोध प्रदर्शन यही बिल्कुल बराबर, ये नहीं, ये विरोध तो चलेगा। भारत
सरकार ने फ्रांस में हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर निंदा की है। फ्रांस में अक्टूबर के महीने में ही 4 लोगों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या की है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है, मैं फ्रांस में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें एक चर्च के अंदर नीस का जघन्य हमला भी शामिल है। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी और हार्दिक संवेदना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ फ्रांस से। कल भी फ्रांस के नीस शहर में आतंकवादियों ने चर्च के सामने 3 लोगों की हत्या कर दी। पूरे मामले की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर को, जब फ्रांस के एक टीचर की हत्या इस्लामिक चरमपंथी ने गला काट कर कर दी। इस टीचर पर फ्रांस में रह रहे मुसलमानों ने इस्लामिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। फ्रांस में इतिहास पढ़ाने वाले इस टीचर का नाम था सैमुअल पिट। सैमुअल पिट की हत्या के बाद फ्रांस में जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। लोग सैमुअल पिट की तस्वीरों को लेकर पेरिस की सड़कों पर उतर आए। सैमुअल पिट की हत्या के मामले को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने काफी गंभीरता से लिया। सैमुअल पिट को अभिव्यक्ति की आजादी के नायक के तौर पर सम्मानित किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में सैमुअल पिट का अंतिम संस्कार किया गया। इसी शोक समारोह में इमैनुअल मैक्रोन ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की निंदा की। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन के इस भाषण ने पूरी दुनिया में मुसलमानों का गुस्सा और भड़का दिया। कल भी फ्रांस के नीस में चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या की गई। 2 लोगों की हत्या तो चर्च के अंदर की गई, जिसमें एक 60 साल की महिला शामिल है, जिसका गला रेत दिया गया। एक 55 साल के बुजुर्ग का भी गला काट दिया गया। इसके अलावा एक 44 साल की महिला को भी चाकुओं से गोदा गया। उसने भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन गंभीर हालत में उसकी मौत हो गई। जिस शख्स ने हत्याएं की वो ट्यूनिशिया का निवासी था और उसने शरणार्थी के तौर पर फ्रांस में प्रवेश किया। एक साथ 3 लोगों की हत्याओं से फ्रांस एक बार फिर सदमे में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस एक बार फिर से आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है। En France, il n'y a qu'une communauté. अगर हम पर एक बार फिर हमला किया गया तो यह हमारे मूल्यों की वजह से, स्वतंत्रता के प्रति हमारे समर्पण की वजह से किया गया है। हमारी धरती पर स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले लोग हैं। आतंकवाद का समर्थन करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं आज एक बार फिर बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि हम आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लोग धर्म में भरोसा करने वाले या भरोसा नहीं करने वाले हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म का पालन किया जा सकता है। आज पूरा राष्ट्र साथ खड़ा है। À l'unité de tous. कई मुस्लिम देश भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ गोलबंदी में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता बनने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एक चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान को टर्की और मलेशिया की सरकारों का समर्थन भी मिल रहा है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद महातिर ने एक बेहद विवादास्पद टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया है, मैक्रोन ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो सभ्य है। वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक स्कूल टीचर की हत्या के लिए इस्लाम और मुसलमानों को दोष दे रहे हैं। मुसलमानों को अधिकार है कि फ्रांस के लोगों को दंडित करें। धर्म चाहे जो भी हो, नाराज लोग कत्ल करते हैं। जब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मलेशिया का ये कहे कि करोड़ों फ्रांसीसियों को मार देना चाहिए और वो पब्लिकली ये बात कहे ट्विटर पे, तो आप क्या कहेंगे उसको? इमरान खान साहब को देख लीजिए, इतनी गैर जिम्मेदारी की बातें करना, और दूसरे मुल्क में आप खड़े हैं जाके कि हमको फ्रांस में पनाह दी जाए, हमको दे। जो लेटेस्ट हमला किया जिस बच्चे ने, वो टूनिशिया से 3 दिन पहले आया फ्रांस, छूटते के साथ ही गला काट दिया, वो भी चर्च में जाके। एक तरफ मोदी, ट्रंप और मैक्रों आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे देश आतंकवाद के खिलाफ बोलने से भी झिझक रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जब दुनिया को ये समझना होगा कि लड़ाई किसी धर्म से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, आगे देखिए आज का वायरल।